2023 में ज्ञान के ग्रह गुरु बुद्धि के ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती में जा रहे हैं, जो न्याय के देवता शनि का जन्म का नक्षत्र है। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और किस अच्छे उपाय से हम इस नक्षत्र परिवर्तन को शुभ बनाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। बृहस्पति का 2023 का पहला नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं, जिस नक्षत्र में जा रहे हैं रेवती में, वह बुध का नक्षत्र है, बुद्धि का। यही न्याय के देवता शनि का जन्म का नक्षत्र भी है, यानी गुरु बुध शनि यह तीनों पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे गुरु के इस नक्षत्र में जाने से। और मीन राशि में यह नक्षत्र आता है, जो स्वयं बृहस्पति की राशि है, तो इन राशियों वाले लोगों को भी इसका अधिक असर मिलेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या परिणाम आने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है, फिर देखेंगे कि कब तक रहेगा, क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम देता है बृहस्पति इस नक्षत्र में, यह जानेंगे। उपाय क्या करने चाहिए सभी 12 राशि के लोगों को, वह भी जानेंगे। उसके बाद सभी राशियों का राशिफल मैं एक एक करके बता दूंगा, तो उपाय कॉमन है, इसलिए हर राशिफल के साथ रिपीट न करके शुरू में ही विस्तार से समझा दूंगा। अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, उपाय नहीं जानना चाहते हैं, तो वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप अपना राशिफल देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है। 24 फरवरी 2023 को बृहस्पति इस रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां वह 22 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। क्या परिणाम होगा और किन पर इनका प्रभाव पड़ेगा, वैसे तो सभी 12 राशि के लोग प्रभावित होंगे, लेकिन जिनकी भी गुरु और बुध की दशाएं चल रही है, वो महादशा हो या अंतरदशा, उन पर प्रभाव अधिक पड़ेगा। इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिनमें 2 के स्वामी बृहस्पति और 2 के शनि होते हैं, तो जिनकी शनि की दशा चल रही है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय आपके अगर आपका लग्न या चंद्रमा इन नक्षत्र में बैठा था रेवती में, तो भी आप पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपकी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इसी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उस पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। आप रेवती नक्षत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो भी आप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। रेवती नक्षत्र से जुड़े हुए काम कौन से होते हैं, वह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले अच्छी बात है कि गुरु इस नक्षत्र राशि में क्या करते हैं। मीन राशि में है गुरु अभी, जिसमें यह नक्षत्र आता है। मीन तो बृहस्पति की स्वयं की राशि है, इसमें वह जब बैठते हैं तो हंस नाम का राजयोग बनाते हैं कुछ राशि वाले लोगों को। अभी आप एक वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जो मैंने हंस योग पर बनाया है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा, वीडियो की समाप्ति पर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आपको हंस योग क्या करता है इसका विस्तार से ज्ञान हो जाएगा। हंस ज्ञान का ही प्रतीक है, सरस्वती माता का वाहन है, इसलिए ज्ञान का ग्रह गुरु जब इस राशि में आता है तो हंस योग बनाता है, यानी व्यक्ति में शुद्ध बुद्धि आती है। गुरु आशा, उत्साह, दया, करुणा, ईश्वर प्रेम और ज्ञान के ग्रह हैं। यानी जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, विजडम, वर्चुअसिटी एंड प्लेटोनिक लव। तो बृहस्पति इतने अच्छे प्लैनेट हैं, इसलिए उनको ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह कहा जाता है। यह जो मीन राशि है वह जल तत्व की राशि है। जल यानी ज ल, शास्त्र कहते हैं जायते जस्मात लियते यस्मिन, यानी जिससे सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, समा जाता है, उसे हम जल कहते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ था, मछली का, जल से हुआ था। और सृष्टि का अंत भी जो होगा वह प्रलय से होगा, जल प्रलय होगी। इसलिए जल राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह मीन राशि अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है, इसके बाद ज्योतिष में कोई राशि नहीं आती है, इसीलिए यह राशि बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके स्वामी बृहस्पति हैं। धर्म में रुचि बढ़ेगी, जो लोग भी धार्मिक हैं उनकी और साधना भी बढ़ेगी और परिणाम भी मिलेंगे जब बृहस्पति रेवती नक्षत्र में आएगा। ऐसा क्यों?
अब रेवती नक्षत्र के बारे में थोड़ी बातें करते हैं, अच्छे बुरे परिणामों पर भी विचार करेंगे, उपाय पर भी विचार करेंगे। रेवती रेवत शब्द से बना है। रेवत का मतलब क्या होता है? सुंदर, समझदार, धनी। यह मृदु नक्षत्र है, मृदु यानी सॉफ्ट और सात्विक नक्षत्र है, वह तो स्पष्ट बात है, बुध का नक्षत्र है और बृहस्पति की राशि में आता है तो सात्विक तो होगा ही। भगवान विष्णु को यह बड़ा पसंद है नक्षत्र, मोक्ष प्रदायक नक्षत्र बोलते हैं इसको। रेवती भगवान बलराम की पत्नी का भी नाम था, इसलिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस नक्षत्र के देवता जो हैं वह पूषा हैं। 12 आदित्यों में एक आदित्य होते हैं पूषा, इन्हें पूषान भी कहा गया। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जब पाठ करेंगे तो उसमें श्लोक भी आता है, खगः पूषा गभस्तिमान, यानी पूषा देवता है वेदों के। तो कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, नक्षत्र बहुत शुभ होता है, इसलिए मुहूर्त शास्त्र में इसे एक शुभ और अच्छा नक्षत्र माना जाता है किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए। खास तौर पर उत्सव हो, गहना खरीदना हो या गर्भधारण भी, इवन संतान जन्म के लिए भी यह नक्षत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी नक्षत्र में शुक्र उच्च होते हैं, यानी मीन राशि, और रेवती नक्षत्र में शुक्र उच्च के होते हैं, गुरु की स्वयं की राशि है यह और बुध का नक्षत्र है, तो तीन तीन शुभ ग्रह जो होते हैं इस नक्षत्र पर प्रभाव व अधिकार रखते हैं, इसलिए इस नक्षत्र में बहुत शुभता होती है। किन लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, कौन से काम करने वाले लोग होंगे जिनके लिए नक्षत्र परिवर्तन शुभ होने वाला है, इसके लिए हमें इस नक्षत्र के सिंबल्स पे, यानी इसके चिन्ह, सूचक चिन्हों पर विचार करना चाहिए, तो हमें समझ में आ जाएगा यह नक्षत्र किन लोगों को क्या परिणाम देगा। देखिए, इस नक्षत्र के 4-5 सूचक चिन्ह है। पहला क्या है? ड्रम। ड्रम क्या दिखाता है? मृदंग, रिदम को दिखाता है, टाइमिंग को दिखाता है। तो जो लोग भी संगीत के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है गुरु का रेवती में जाना। इस नक्षत्र का दूसरा सिंबल है शंख। शंख हम कब बजाते हैं? पूजा की शुरुआत में, यानी शुभ शुरुआत। शंख भगवान विष्णु के हाथ में रहता है हमेशा, इसीलिए विष्णु को प्रिय नक्षत्र है। तो कोई भी काम की शुरुआत के लिए अच्छा नक्षत्र है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छा समय है, आप ले सकते हैं। तीसरा सिंबल क्या है इस नक्षत्र का? मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में, समुद्र से विचार करते हैं इस राशि और इस नक्षत्र का। तो विदेश व्यापार के लिए, विदेश यात्रा के लिए यह बहुत अच्छा नक्षत्र है। यह अंतिम राशि है ना, धर्म की राशि है, इसलिए गुरु स्थान की यात्रा, मंदिर जाने के लिए भी यह बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। गुरु स्थान जाना, साधना करना इस नक्षत्र में अति शुभ फल देने लगता है। वैसे तो गुरु स्थान कभी भी जा सकते हैं, लेकिन इस नक्षत्र में जब बृहस्पति जाए तो सबसे शुभ होता है। इसका अगला सिंबल क्या है? हाथी। हाथी में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इट्स ए वेरी टॉल एनिमल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मिस। हाथी कहीं खड़ा हो तो क्या आप उसको मिस कर सकते हैं? नहीं, वो मिस नहीं हो सकता। इसका मतलब इस नक्षत्र के लोग उन क्षेत्रों में समाज में पाए जाते हैं जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो बड़े पदों पर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। इसलिए जो भी लोग एडमिन पॉलिसी मेकिंग में हैं या किसी तरह का अधिकार वाला कुर्सी का काम करते हैं, उनके लिए यह नक्षत्र अच्छा है। हाथी झुंड में चलता है, यानी ऐसे व्यक्ति पारिवारिक होते हैं। इस नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं वह परिवार व ईश्वर को समर्पित होती हैं, वेरी डेडिकेटेड वुमेन, दे आर वेरी लकी फॉर देयर स्पाउस ऑल्सो। तो यहाँ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका एक और सिंबल है, 5वां सिंबल और फाइनल, चमेली, जैस्मिन फ्लावर, यानी यह ब्यूटी को, फेस्टिविटीज को, रोमांस को दिखाता है। शादी के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र इसीलिए माना जाता है, विवाह कार्य इसमें किए जाते हैं, प्रेम के लिए अच्छा है, प्रपोजल्स के लिए भी अच्छा है। उत्तम वक्ता होते हैं इस नक्षत्र के लोग, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है जो स्वयं ज्ञान का ग्रह है और बुद्धि यानी बुद्ध वाणी का देवता जो है बुद्ध उसका है, तो स्वयं का नक्षत्र है। इसलिए जो लोग भी पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्रों में हैं, ऑथर हैं, इवन मैथमेटिशियंस भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन सब के लिए इस नक्षत्र में गुरु का जाना अच्छा परिणाम देगा। जो लोग सेवा का कार्य करते हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, उनके लिए भी यह अच्छा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के लिए
50वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट कहा गया, तो जिन लोगों का भी एज 48 से लेके 52 की ब्रैकेट में है उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए अब क्या कुछ समस्याएं नहीं आएंगी आएंगी, यह शनि का जन्म नक्षत्र है, टफ नक्षत्र भी हो जाता है बहुत बार अगर परेशान आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं हो तो। अंतिम नक्षत्र भी माना जाता है, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत होती है और रेवती मीन राशि का अंतिम नक्षत्र होता है, इसलिए यह अंतिम है। अंतिम राशि मीन का अंतिम नक्षत्र रेवती, तो सब कुछ खत्म हो जाता है अगर कुंडली में जरा भी आपके शनि या गुरु की पोजीशन गड़बड़ हो तो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अपनी कुंडली ध्यान से देखिए, अपनी कुंडली के बाद ही गोचर में क्या परिणाम हो रहा है उस पर जाइए। पहले आपकी स्वयं की कुंडली महत्वपूर्ण होती है, सिर्फ गोचर में नहीं, देख ली के एक राशि के 70-80 करोड़ लोग होते हैं, न तो सबको अच्छे परिणाम मिलेंगे न सबको बुरे। हाँ ये टेंटेटिव रिजल्ट्स ये रहेंगे जरूर, लेकिन वह आपकी कुंडली पर बहुत हद तक निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज पर। इस नक्षत्र की एक कमी होती है कि वह किसी भी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तो अभी आपको किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है अगर आपकी कुंडली में शनि बुरा है तो, ध्यान रखिएगा। एक और समस्या होती है, किसी भी काम की शुरुआत तो बहुत जोश में करते हैं ऐसे लोग, लेकिन जल्दी ही इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, तो इसलिए आप इंटेंसिटी परसुएसिवनेस बनाए रखिए तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टेनासिटी मेंटेन रखिए जो काम करते हैं, तभी आप रिजल्ट्स की उम्मीद रखिए, नहीं तो फिर आपका काम छिन्न भिन्न भी कर देते हैं यहाँ पे शनि। अब एनीवे ये सब बातें हो गई, अब उपायों पर चर्चा करते हैं। तो हम क्या उपाय करें कि शुभ परिणाम तो जो अगर हैं वो और अच्छे मिलें और अशुभ परिणामों में कमी हो जाए। तो सिंबल्स मैंने क्या बताए थे, मछली अपने घर में एक्वेरियम रखिए, मछलियां अपने आसपास रखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा उपाय, नदी तालाब समंदर के पास रहिए। अब सब लोग तो ऐसा रह नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, इससे आपका नक्षत्र एक्टिवेट होता है, यह नक्षत्र एक्टिवेशन थ्योरी है। तीसरी बात, मंदिर जाते रहिए। चौथी बात, शंख अपने घर में रखिए, पूजा के समय बजाइए, उससे भी यह नक्षत्र एक्टिवेट होता है। और अंतिम बात, चमेली का प्रयोग कीजिए, चमेली का फूल, जैस्मिन फ्लावर, उनका प्रयोग करते रहने से यह नक्षत्र एक्टिवेट रहता है। नक्षत्र का जो फूल होता है उसको अपने पास रखने से नक्षत्र के गुणों में, उसके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है, यह एक बड़ा अच्छा उपाय माना जाता है। अब अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी आप दबा दीजिए, ताकि मैं भविष्य में जब भी ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक गुरु के रेवती नक्षत्र में जाने का क्या परिणाम होता है वह बता दूंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर 12 राशियों के बारे में बताऊं। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक जो रिजल्ट्स हैं वह मैं आपको दूसरे वीडियोस में बता दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के अंत में देख दूंगा मैं आपको, तो आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बृहस्पति अभी आपके 12वें भाव से मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश खर्च और आध्यात्म को दिखाता है, वहां वह बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। रेवती में बुध आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। अच्छे प्लैनेट तो आप लोगों के लिए बुध नहीं माने जाते हैं, लेकिन चूंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी है, जहां से हम वाणी का विचार करते हैं, कम्युनिकेशन का, और बुध कम्युनिकेशन के ही प्लैनेट माने जाते हैं नेचुरल, और बृहस्पति ज्ञान के प्लैनेट माने जाते हैं, तो ज्ञान के ग्रह बृहस्पति जब बुद्धि और वाणी के नक्षत्र रेवती में जाएंगे, तो जो लोग भी पब्लिक स्पीकिंग का काम करते हैं या सोशल मीडिया पे हैं, जर्नलिज्म में हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उन सब के लिए यह नक्षत्र गोचर अच्छा होगा। जो ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं उनके लिए भी अच्छा है, फाइनेंस के मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन बाकी सब लोगों को जो इन क्षेत्रों से नहीं है उन्हें तकलीफें बढ़ने वाली हैं। भाग दौड़ बेकार की बहुत अधिक रहेगी, पैसे का खर्चा भी बढ़ जाएगा। परेशानियों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं।
वृष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। बुध के नक्षत्र में देखिए बृहस्पति आपके 11वें भाव से अभी मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, इनकम के घर से, इच्छा पूर्ति के घर से। और वह जिस नक्षत्र में जा रहे हैं रेवती में, वह बुध का नक्षत्र है। बुध आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं यानी दूसरे और पांचवें भाव के, तो पैसे पर उनका अधिकार बनता है। बृहस्पति स्वयं इनकम के घर में बैठे हुए हैं, तो यह नक्षत्र परिवर्तन जो है दूसरा, पांचवा और 11वां, इन तीन भावों को प्रभावित कर रहा है, इनकम बढ़ने वाली है। तो बुध आपकी वाणी भाव के स्वामी है, वित्त के घर के स्वामी है और संतान के भाव के। बृहस्पति जो इन चीजों को दिखाते हैं, उनका बुध के नक्षत्र में जाना इन चीजों में वृद्धि करेगा, अच्छा है। देखते रहिए, जब जब आपका शुक्र और बुध अच्छे होंगे इस गोचर के दौरान में, उन दिनों में आपको इसका परिणाम अधिक मिलने लगेगा। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो अपने अच्छे परिणामों को बढ़ाने के लिए उन्हें कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन सबसे शुभ होने वाला है। देखिए बृहस्पति आपके 10वें कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। बुध तो आपकी राशि के स्वामी ही है, तो राशि के स्वामी के नक्षत्र में अगर बृहस्पति जाएंगे, दोनों शुभ ग्रह, दोनों एक दूसरे से संबंधित ग्रह आपकी कुंडली के, तो आपको कर्म स्थान में लाभ देखने को मिलेगा। प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग अप्रेजल्स की उम्मीद कर रहे हैं, वो पॉजिटिव अप्रेजल्स उन्हें मिल जाएंगे। यहाँ बुध आपकी राशि के स्वामी और चौथे घर के स्वामी है। चौथे घर से हम जमीन, मकान, गाड़ी का विचार करते हैं। बृहस्पति अभी आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो आपको उनकी सातवीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे ऑलरेडी जा रही है, और चौथे घर के नक्षत्र में बैठेंगे तो बहुत सारे लोगों को इस गोचर में जमीन, मकान, वाहन का लाभ करा के जाएंगे। घर में कुछ अच्छा उत्सव भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, लीजर ट्रैवल्स प्रमोट करेंगे। बिजनेस में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जीवन साथी के अपने लाइफ में, अफेयर्स में भी उनको उम्मीद से अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी वह नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय यह कहा जा सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर बहुत शुभ हो रहा है, इनमें और अच्छी वृद्धि करनी है, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। अपनी राशि में बृहस्पति का गोचर तो बहुत शुभ है, लेकिन आपका बृहस्पति अब बुध के नक्षत्रों से गोचर करेगा। बुध आपकी राशि के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, राशि स्वामी के मित्र नहीं है, तीसरे और 12वें यानी खर्चे और झगड़े के घर के मालिक है, परेशानियों के घर के मालिक हैं। और 9वें भाव में भाग्य के घर में बैठे हुए बृहस्पति अब उनके नक्षत्र में जाएंगे, तो भाग्य से आपको कुछ तकलीफ आ सकती है। एक लाभ जरूर होगा, 12वां घर यात्राओं को दिखाता है, विदेश को दिखाता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सिर्फ उनको फायदा होगा, बाकी लोगों के लिए यहाँ तकलीफें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग किसी तरह का शेयर मार्केट का काम करते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में है, कम्युनिकेशन क्षेत्रों में है, मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए ही अच्छा समय है, बाकी लोगों को तकलीफ हो सकती है। जब जब आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा गोचर में परेशानी में आएंगे, उन उन दिनों में आपको नुकसान अधिक होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव में अपनी राशि में बैठे हुए बृहस्पति अचानक धन लाभ दे सकते हैं, वसीयत से, विरासत से या स्पेकुलेशन से। अब जिस नक्षत्र में जा रहे हैं बुध के, वह नक्षत्र का स्वामी बुध आपकी राशि के दूसरे और 11वें दोनों धन भाव का स्वामी है, तो दोनों धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में धन के ग्रह बृहस्पति आपके 8वें घर में जा रहे हैं। महर्षि पराशर कहते हैं 8वें घर से गड़े धन का विचार करना चाहिए, यानी ऐसा धन जो हमने कमाया नहीं है हमें मिल जाए, ऐसा धन विरासत का हो सकता है। कम मेहनत से अधिक लाभ भी इसको देखते हैं 8वें घर से, उसको हम शेयर मार्केट से देख सकते हैं, तो स्पेकुलेशन को भी दिखाता है, एडवाइजरी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इन चीजों को भी दिखाता है बृहस्पति और 8वां घर और बुध। तो जो लोग इन क्षेत्रों में हैं, उनके लिए बहुत अधिक लाभ अचानक मिल सकता है बृहस्पति के इस गोचर से। फिर भी 8वां घर लिटिगेशंस को भी दिखाता है, तो किसी तरह की फाइनेंस की लिटिगेशन हो सकती है, कोई नया उधार लेना चाहते हैं इस पीरियड में ना लें,
नई जमीन, नया मकान, वाहन, इन सब पर खर्च करने से अभी बचना चाहिए। यानी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप किसी तरह के पैसे कमाने की उम्मीद कर सकते हैं, इन्वेस्ट अभी नहीं करिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बचिए, स्पेकुलेशन के इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के स्वामी बुध के ही नक्षत्र में हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध जो आपके कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं, वह अपना नक्षत्र बृहस्पति को दे रहे हैं जो आपके सातवें घर में बैठे हैं। सातवें घर से हम व्यापार का और जीवन साथी का विचार करते हैं, यानी आपके कर्म में, आपके जीवन साथी के कर्म में, व्यापार में, धन में, इन सब चीजों में लाभ और वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, तो स्टेटस बढ़ाएंगे, आपका सम्मान बढ़ाएंगे। राशि के स्वामी अपने नक्षत्र को बृहस्पति को दे रहे हैं, सबसे शुभ ग्रह को, इससे भी अच्छा रहेगा। आपके चौथे घर के भी स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जहां से हम प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, व्हीकल का विचार करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, न्यू एंटरप्राइज, उसके लिए भी सातवां घर हम देखते हैं और पहला घर, वहां से भी गुरु बुध का संयोग बन रहा है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए जीवन में तरक्की के रास्ते बृहस्पति बहुत अधिक खोलते हुए दिख रहे हैं इस नक्षत्र गोचर से। इसके शुभ प्रभावों में और अधिक वृद्धि करनी है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। अभी आप और भी वीडियोस देख रहे होंगे, जैसे गुरु हंस राजयोग बनाकर क्या करता है, गुरु अच्छा होगा तो क्या करता है, गुरु अशुभ होता है तो लक्षण और उपाय क्या होते हैं, इन वीडियोस को भी चाहें तो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।